नितिन गडकरी को हटाने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति? बीजेपी के इस फैसले ने दिया बड़ा संदेश। क्या नितिन गडकरी को बीजेपी ने कर दिया साइडलाइन? इस फैसले का बीजेपी पर क्या पड़ेगा सर? बीजेपी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने नितिन गडकरी को बाहर कर दिया। ये फैसला भाजपा की भावी रणनीति से तो जुड़ा है, लेकिन ये फैसला पार्टी के अंदरूनी घटनाक्रमों को भी प्रभावित करने वाला है। ये घटनाक्रम पार्टी के भीतर उनके राजनीतिक वजूद को तो प्रभावित करेगा ही, साथ ही उनकी चुनावी राजनीति पर भी काफी असर डालेगा। महाराष्ट्र की राजनीति से 2009 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर राष्ट्रीय फलक पर उभरे नितिन गडकरी अब भाजपा के केंद्रीय संगठन में अहम भूमिका से बाहर हो चुके हैं। वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, लेकिन केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से अब वो बाहर रहेंगे। इससे पार्टी के अंदर उनका कद काफी प्रभावित हुआ है। बता दें कि गडकरी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और राजनीति को लेकर उनकी अपनी अलग सोच भी जग जाहिर होती रही है। हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में मौजूदा राजनीति पर सवाल खड़े किए थे और संकेत दिए थे कि अब राजनीति उनके लिए बहुत ज्यादा रुचिकर नहीं है। हालांकि गडकरी को भाजपा संगठन में कई बदलाव के लिए भी जाना जाता है। अपनी अलग शैली के कारण कई बार वो सबके साथ समन्वय बनाने में सफल भी नहीं रहे। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी भूमिका की सबसे ज्यादा सराहना की गई। देश भर में फैले राष्ट्रीय राजमार्गों के जाल को लेकर गडकरी की तारीफ तो उनके विरोधी भी करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदरूनी समीकरणों में उनकी दिक्कतें बनी रही। अपने बेलोस अंदाज से वो विवादों में भी रहे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल नहीं कर एक बड़ा संदेश दिया है कि पार्टी व्यक्ति के बजाय विचारधारा पर केंद्रित है। इसके विस्तार में जो भी जरूरी होगा वो जरूर किया जाएगा। इसके पहले पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल गठित कर वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी पार्टी की सक्रिय राजनीति से अलग कर उसमें शामिल किया था। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से विचारधारा के एजेंडे को बीते सालों में तेजी से लागू किया, इसका असर सरकार से लेकर संगठन तक देखने को मिला है। इसमें किसी एक नेता की बात न की जाए तो व्यक्ति की जगह विचारधारा ही हावी दिखी। महाराष्ट्र की राजनीति में भी इसका असर पड़ेगा। पार्टी में गडकरी की जगह उनके ही गृहनगर नागपुर से आने वाले देवेंद्र फडणवीस का कद काफी बड़ा है। हाल ही में जब शिवसेना के बागी गुट के साथ भाजपा ने राज्य में सरकार बनाई थी, तब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी किया। अब केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल कर पार्टी ने उनके कद को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। वहीं आपको जान लेना चाहिए कि गडकरी और फडणवीस दोनों ही आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए कोई भी फैसले में संघ की सहमति भी शामिल होगी। हाल ही में हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ने पार्टी ने अपने संगठन को अगले 25 सालों की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने का आह्वान किया था। उसमें नए नेताओं को भी आगे बढ़ाना है। यही वजह है कि भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं को पार्टी में काफी महत्व दिया गया है। वहीं नितिन गडकरी सरीखे नेता को संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फिलहाल इसका असर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी को केंद्रीय संसदीय बोर्ड से अलग किया गया है, उसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति जरूर है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस फैसले का कितना असर पड़ता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।